How many girls you have? Girls 40 for me with you. तो हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? तो भाई उम्मीद करता हूँ कि भाई सारे बढ़िया होंगे। तो भाई काफ़ी टाइम से एक क्वेरी आ रही थी कि भाई मतलब इट मीन्स के स्पा वगैरह टाइप जो है वो कवर करने के लिए, और जो स्पा है उसके अंदर क्या गतिविधि होती है। तो भाई आज स्पेशली भाई मैं आ चुका हूँ, और ये जो जगह है भाई यहाँ पे ना ऑलमोस्ट यानी काफ़ी ज़्यादा स्पा है, तो देखेंगे अंदर चल के। और ये जो है ये एक मॉल है, MGF मॉल, ये मैं DLF के अंदर हूँ। तो चलते हैं अंदर बिना देर किए हुए और चलकर देखते हैं क्या एनवायरनमेंट है, क्या चीज़ें हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। तो भाई मैं फाइनली इस टाइम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका हूँ, चलते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ कुछ 50% का डिस्काउंट भी लगा हुआ है, अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है। यहाँ से लेंगे भाई हम स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए, और ये भाई थर्ड फ्लोर पे जो पूरा है ये पूरा स्पा सेंटर है। तो बाकी चीज़ें वहाँ पे चल के फिर देखेंगे। तो भाई फाइनली हम अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं, और आप देख रहे हो भाई ये जो गैलरी है, यहाँ पे भाई स्पा ही स्पा हैं। यहाँ पे टोटल अराउंड 10 से 11 स्पा हैं। तो आप ये फर्स्ट देख रहे हो, तो इसके अंदर ये देखो भाई, तो ये देखो ये गर्ल है, ये स्पा की अंदर की लड़कियां हैं जो सर्विस देती हैं। बाकी मैं आपको आ जाओ अंदर लेकर चलता हूँ, और चलते हैं अंदर। तो ये कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है यहाँ का। सो हाउ मेनी चार्जेस फॉर वन आवर? 10 तो उसने बोला भाई 10 लड़कियां अवेलेबल हैं अभी फ़िलहाल, आप चूज कर सकते हो जिसके साथ भी जाना है। और ये देखो भाई यहाँ पे ये भी स्पा की गर्ल्स ही हैं जो यहाँ पे किसी स्पा के अंदर की होंगी। बाकी आ जाओ आगे की तरफ। तो आ जाओ भाई इसके अंदर चलते हैं एक बार, और देखते हैं अंदर चल के इसका क्या हिसाब किताब है जो भी है। तो भाई कैसी लगी ये लड़की? भाई ऐसी ऐसी लड़कियां आपको मिलती है यहाँ पे, और ये कुछ ऐसा अंदर का एनवायरनमेंट है। ओके, सो हाउ मेनी चार्जेस फॉर वन आवर? 2000। ओके, एंड 30 मिनट, हाफ आवर, हाफ एन आवर? 1500। ओनली जस्ट 500 डिफरेंस फॉर विद इन अ वन एंड हाफ आवर। एंड ये भाई थोड़ी सी एटीट्यूड में है भाई, मीन्स वही भाई जिसका ज़्यादा वो रहता है उसका भाई थोड़ा सा रहता है, क्योंकि इनको पता है इनके पास कस्टमर आते हैं। बाकी इधर आ जाओ, ये देखो भाई अंदर का जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल ब्लैंक है। और यहाँ पे देखो, ये देखो भाई ये अंदर ना मतलब कमरे टाइप के बने होते हैं, आपको अंधेरा है यहाँ पे इसलिए कुछ दिख नहीं रहा होगा, और भाई काफ़ी ब्यूटीफुल लुक दे रहा है भाई। और ये ना सिटिंग एरिया है, बट दिख नहीं रहा होगा आपको बिकॉज ऑफ अंधेरा है। और एक यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे भी एक स्पा है। ये एक सेकेंड, ये देखो भाई ये जो लड़कियाँ हैं
कि दो अभी जस्ट पास से निकली है, आपने देखा होगा। और भाई कम से कम भाई एक स्पा के अंदर 8-10-12 लड़कियां होती हैं, तो भाई इस मॉल में कम से कम भाई मैं जो मैंने देखा है वो 16-17 स्पा हैं कम से कम। और ये देखो भाई, ये कुछ मतलब एक ये भी स्पाई है, और आप देख रहे हो भाई अंदर बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब और देख आपको दिख रहा होगा एक लड़की यहाँ पे बैठी हुई है और दो लड़की चेयर पे सामने की तरफ बैठी हुई है अगर दिख रहा हो आपको तो। और अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है ना भाई वो बिल्कुल ब्लैंक होता है इनका, मतलब आप खुद को नहीं देख पाओगे अंदर जाने के बाद। तो भाई नॉर्मल सी बात है, स्पा है, आप समझ सकते हो यहाँ हर तरह की गतिविधि होती है, समझने वाले समझ गए होंगे। और ये भाई स्पा के पीछे भाई ये एक तरीके से एरिया है, स्मोकिंग जोन है, और आप देख रहे हो ये दोनों बैठ के यहाँ पे सुट्टे मार रही है। तो भाई ये नॉर्मल कस्टमर्स को नहीं पता होता, मैं यहाँ पे कई बार आ जा चुका हूँ तो इसलिए मेरे को पता है। और यहाँ पे भाई दो नहीं कई सारी बैठी होती हैं, तो अभी सिर्फ ओनली दो ही हैं यहाँ पे। जितनी भी स्पा की लड़कियाँ थी वो ऑलमोस्ट यहीं यहीं पर आके भाई अपना स्मोकिंग वगैरह जो भी है अपना करते हैं। तो भाई देखा आप लोगों ने, ये कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है इस मॉल का। तो भाई आई होप कि भाई वीडियो सबको पसंद आई होगी, और भाई अच्छी लगे तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भाई बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करो जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और भाई जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की वीडियो में, और कुछ हो आपके पास तो भाई कमेंट में ज़रूर बता देना, तो उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए टेक केयर ऑल, बाय, टेक केयर।